नमस्कार, वॉइस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी हम महावीर इंटरनेशनल स्कूल में हैं, यहाँ के डायरेक्टर रितु आनंद जी हैं, और इनसे जानना चाहेंगे कि आपका मिशन, आपका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है इस स्कूल के प्रति, बताया जा सके। सबसे पहले तो आपको यहाँ के लिए बहुत बहुत स्वागत है। इस सिटी न्यूज़ के माध्यम से इस स्कूल का जो विज़न और मिशन जो भी है, इस स्कूल का जो विज़न है, सबसे पहला है हमारा लर्न लीड एंड ग्रो। लर्न मीन्स अभी जो बच्चे हमारे स्कूल के जो पढ़ाई कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, जो टीचर्स हैं वो हमारे कैसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षा के साथ साथ विज़न हम लोग का ये है कि बच्चा के साथ पेरेंट्स के पास जब बच्चे पहुंचते हैं तो वहां पर जाने के बाद बच्चों का क्या परफॉर्मेंस होता है उसका फीडबैक भी टीचर्स लेते हैं, और स्कूल पास आउट करने के बाद जो बच्चे का मिशन होना चाहिए उसकी तैयारी भी हम लोग पहले से कराते हैं, ताकि बच्चा शुरू से, नींव ही एक ऐसा साधन है जो बच्चे के मोटिव को बनाया जाता है। अब जैसे बच्चे यहाँ से क्लास 10 पास करते हैं, 10+2 करते हैं, उसके बाद उनका एक मोटिव होना चाहिए कि सबसे पहले एक अच्छे नागरिक के रूप में जाने जाए, उसके बाद उनका जो जॉब सिक्योरेंस होना चाहिए, किसी भी रूप में किसी भी रेखा में जो काम करना चाहते हैं उसके लिए उनका मोटिव क्या है। सब उसके पहले हम लोग ये चीज़ करते हैं कि बच्चा क्या IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या एडवोकेट बनना है। मतलब कि आप 10th से ही बच्चे का कैरियर काउंसलिंग करके उसको अपने दिशा पे चलाते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग का मोटिव यही है कि आपके बच्चे अगर यहाँ से पास आउट करते हैं उसके बाद कभी भी आप आकर के सजेशन ले सकते हैं कि बच्चे को आगे जा करके करना क्या है। बच्चे अगर एडवोकेट बनना चाहते हैं तो उनको क्लैट की तैयारी कैसे कराया जाए, किस इंस्टीट्यूट के लिए ज़्यादा बेटर होगा, उनका एडमिशन कहाँ से कराया जाए कि उनके लिए ज़्यादा अच्छा हो, और उसके साथ अगर डॉक्टर में बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो उनको कौन सा सब्जेक्ट प्रेफरेंस कराना चाहिए। इन सब चीज़ों पे अभी से ही हमारे पास उसके लिए स्पेशल एक टीम भी है जो उसके लिए काम करती है, और यही मोटिव है कि अभी जो एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को महावीर इंटरनेशनल स्कूल ने जो मेंटेन करके चला है जो फ्रॉम द टाइम ऑफ बिगनिंग, वो अभी के डेट में कुरहनी में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो इसके कंपेरिजन में आ सकता है। और यहाँ के पेरेंट्स भी बहुत ही फीडबैक जो आ रहा है यहाँ के आसपास से कि जो एजुकेशन आप लोग दे रहे हैं इससे बढ़िया एजुकेशन हम लोग पहले नहीं पाते थे। मतलब आपका जो है इस पर क्या बोलते, बच्चे के एडमिशन पर ज़्यादा जोर नहीं है, एडमिशन तो हो ही रहा है लेकिन उसके भविष्य पर ज़्यादा आपकी चिंता है। बिल्कुल, भविष्य के साथ साथ अभी प्रेजेंट में जो एजुकेशन है उसको भी हम लोग देख रहे हैं और साथ में फ्यूचर भी देख रहे हैं कि बच्चा को अभी तो हम लोग अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, बाद में फिर फ्यूचर में उन भटक ना जाए इसके लिए अभी से सिक्योरेंस।